हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट अपना में। तो आज हम बनाएंगे सूजी कोकोनट बर्फी दिवाली स्पेशल, और ये हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ये बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ इसके अंदर। हम ज़्यादा घी इसके अंदर नहीं डालेंगे और ये बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमारा घी भी पिघल चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 कप सूजी। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी ली है, आप कोई भी सूजी इसके अंदर ले सकते हैं। तो मैंने यही बस नॉर्मल सूजी ली है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसके अंदर। तो बस हमने ये सारी सूजी इसके अंदर डाल दी है, और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ और इसको अच्छे से भून लेती हूँ खुशबू आने तक। तो यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट तक ही भूनूंगी, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, एक बार के लिए 3 से 4 मिनट ही भूनेंगे। और आप इसे भूने तो ध्यान रखिए कि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, वरना हमारी बर्फी ब्राउन ब्राउन बनेगी और दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस मैं इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही भून लूँगी। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी थोड़ी सी इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं गैस को एक बार के लिए बंद कर दिया है मैंने, और बंद करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट ऐसे चला लेती हूँ जिससे कि नीचे लगे नहीं, जले नहीं। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप सूखे नारियल को इसके अंदर ग्रेट कर डाल सकते हैं, और इससे इसका क्या होगा कि इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। गैस को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, ऑन कर मैंने लो फ्लेम पर हम इसको नारियल के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से और भून लेंगे। जितनी देर में हमारी सूजी भून रही है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो ये देखिए, मुझे इसे भूनते लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस मैं इसको इतना ही भूनूंगी, और गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में डाल देते हैं 2/3 कप चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर 2/3 कप लिया है, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी। तो 2/3 कप में मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ, आप कोई भी कटोरी से इससे मेजर कर सकते हैं। तो गैस को ऑन करके हम इसकी चीनी को घोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है, तो यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से पका लेती हूँ लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, मुझे इसे पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसको अच्छे से 2 मिनट तक पका लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से इसको चलाती रहूँगी और इसको पका लेते हैं। तो हम इसके अंदर चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमें इसके अंदर, हमने जो सूजी सेक कर रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। तो हम इसके डालने के बाद लो फ्लेम पर इसको अच्छे से चला लेते हैं, और हम इसको अच्छे से थिक होने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो बस ये सूजी बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगी इस पानी को, इसके बस हम इसको इसके साथ चलाते रहेंगे। तो गैस को मैंने यहाँ पर लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पर हम इसके अंदर डाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच ड्राई फ्रूट। तो बर्फ़ी में ड्राई फ्रूट बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और साथ में 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर ऐसे ही बना सकते हैं इलायची पाउडर डालकर। तो बस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम इसको चलाती रहूँगी, तो 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से थिक हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट में ये इतना हो चुका है। तो देखिए इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो ये बर्फ़ी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है हमारी, आप इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई खाने में। तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इस तरीके से चेक कर लीजिए, ये हाथ पर नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये हमारा बन चुका है। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ हम एक हमारी जो ट्रे या फिर थाली को इस तरीके से तेल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसके चम्मच की हेल्प से पीछे घी लगाकर इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से इक्वल कर लूँगी, जिससे दिखने में बहुत ही बढ़िया सुंदर लगेगी। तो मैं इसको यहाँ पर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर ये दिखने में और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और चम्मच से हम इसको सेट कर देंगे जिससे कि ये हिले नहीं।
तो हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे सेट। तो सेट करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर कट लगा लेती हूँ। तो चाकू से आप जैसे आकार देना चाहिए वैसे बना दीजिए। और ये बर्फ़ी आप इस दिवाली बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी और भी रेसिपी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में सेट कर लिया था। तो ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसे दिवाली में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।